नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अब जो लेक्चर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इस लेक्चर में हम भू परिष्करण से संबंधित कुछ यंत्र, मृदा में की जाने वाली कुछ क्रियाएं तथा कटाई मड़ाई ओसाई की जो क्रियाएं होती हैं, जो खड़ी फसल फसल काटने और निकालने के लिए की जाती है, उनके बारे में बात करूंगा। हम यहाँ कुछ यंत्र देखेंगे, कुछ क्रियाएं, कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर देखेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ यंत्रों की तरफ आते हैं। तो दो यंत्र हैं, पेडी वीडर और पेडी पडलर। पेडी वीडर और पेडी पडलर में एक बात कॉमन ये है कि ये दोनों ही यंत्र धान की फसल से संबंधित है। पेडी मतलब धान। धान की फसल में पानी भरा हुआ खेत रहता है, वहां पर खरपतवार नियंत्रण कठिन होता है, इसलिए वहां पर खास तौर से धान के पानी भरे खेत से खरपतवार निकालने के लिए जो यंत्र काम में आता है, उस यंत्र को हम कहते हैं पेडी वीडर। उसी प्रकार से पेडी पडलर भी धान बोने के पहले, धान की रोपाई के पहले खेत में कीचड़ मचाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला यंत्र है। धान को रोपाई के पहले कीचड़ मचाया जाता है ताकि इसके ऊपर जल भरा रहे, ये जो पानी है अंतःस्पंदन अंतःस्रवण के द्वारा नीचे ना जाए, इसलिए हम धान के उस खेत में कीचड़ मचाते हैं और मृदा में जो केशिकाएं होती हैं उन्हें तोड़ देते हैं, जिससे धान के खेत में पानी भरा रहता है। उस क्रिया को बोलते हैं पडलिंग, और जो यंत्र इस क्रिया को करने के काम में आता है वो यंत्र कहलाता है पेडी पडलर। अब हम यहां पर कटाई मड़ाई और ओसाई के संबंध में बातें करेंगे। तो आपको एक बात यह समझना जरूरी है कि कटाई मड़ाई और ओसाई की क्रियाएं और इसके जो यंत्र हैं, इनका भू परिष्करण से कोई संबंध नहीं है। हम कृषि इंजीनियरिंग के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कटाई मड़ाई ओसाई। इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। यहां पर हार्वेस्टिंग या कटाई की हम बात करें तो जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो मजदूरों की सहायता से हसिए के द्वारा फसल को खेत से काटकर बाहर निकाला जाता है, यह क्रिया कहलाती है कटाई या हार्वेस्टिंग। अब पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने में जब थ्रेसर जैसे यंत्र नहीं थे, तब कटी हुई फसल को खेत खलियान में फैलाकर सुखा लिया जाता था और फिर इसके ऊपर पशुओं को घुमाया जाता था, जिसे हम दामन करना भी कहते थे। इससे फलियां बालियां टूट जाती थी, दाने और भूसे का एक मिश्रण तैयार हो जाता था। इस मिश्रण को तैयार करने की क्रिया कहलाती है मड़ाई या थ्रेसिंग। फिर उस जमाने में किसी दिन जब तेज हवा चल रही होती थी, उस समय इस दाने और भूसे के मिश्रण को हवा में इस प्रकार से गिराया जाता था, जिससे भूसा हल्का होने के कारण आगे चला जाता था और दाना एक जगह इकट्ठा हो जाता था। तो इस प्रकार से दाने और भूसे को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है ओसाई या विनोइंग। लेकिन इन सब क्रियाओं में समय ज्यादा लगती थी, मेहनत ज्यादा लगती थी। इस समस्या से बचने के लिए धीरे धीरे यंत्रों का विकास हुआ। तो हम यहां सबसे पहले बात करते हैं अल्पेड थ्रेसर की। अल्पेड थ्रेसर का विकास पहले हुआ, यह मड़ाई का एक प्रमुख यंत्र था। गुजरात के अल्पेड नामक गांव में इसका विकास हुआ, इसलिए इसका अल्पेड थ्रेसर नाम रखा गया। इसके अंदर लोहे या लकड़ी की एक फ्रेम के अंदर कांटेदार तवे लगे होते थे, जिसे हम बेलों के पीछे बांध कर घुमाते थे। ये दांते जब इस प्रकार से चलते थे तो फसल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। इस थ्रेसर के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर व्यास के करीब 20 से 25 तवे लगे होते हैं और ये खास तौर से काम आता है मड़ाई या थ्रेसिंग के। अब इससे जो दाने और भूसे का मिश्रण बनता था, उस मिश्रण को अलग करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था, उसे कहा जाता है विनोअर। तो विनोअर नामक जो यंत्र है, ये खास तौर से ओसाई के काम में आता है, विनोइंग के काम में आता है। ये दाने और भूसे को अलग कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो अल्पेड थ्रेसर का उपयोग बंद हो गया है, क्योंकि आजकल इंजन से चलने वाली, बिजली से चलने वाली थ्रेसर आ गई है, जो कि दो क्रियाएं एक साथ कर सकती है। ये थ्रेसिंग भी करती है और विनोइंग भी करती है।
मतलब कटी हुई जो फसल है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, तो पहले यह मड़ाई करके दाने भूसे का मिश्रण बनाएगा, फिर भूसे को अलग कर देगा और दाना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी जो थ्रेसर हैं ये दो प्रकार की क्रियाएं करती हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि फसल को कटाने के लिए मजदूरों की काफी कमी हो गई है, फसल काटने के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए आजकल हम इसके लिए भी यंत्र इस्तेमाल करते हैं। एक यंत्र है जिसका नाम है कंबाइनर, या इसे कंबाइन हार्वेस्टर भी कहा जाता है। ये जो कंबाइनर या हार्वेस्टर कंबाइन हार्वेस्टर है, यह खेत में ले जाने के बाद पहले कटाई करेगा, फिर मड़ाई करेगा, फिर ओसाई करके हमें बीज प्रदान करेगा। ये तीनों प्रकार की क्रियाएं एक साथ करता है, इसलिए इसे कंबाइनर या कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। कई बार गांव में किसानों के द्वारा इसे हार्वेस्टर कहा जाता है, ना गलत शब्द है, क्योंकि हार्वेस्टर का मतलब होता है फसल काटने वाला यंत्र। तो हम जिस यंत्र की बात कर रहे हैं वो कंबाइनर है, या उसे कहा जाता है कंबाइन हार्वेस्टर। आप अरहर की फसल के अगर बारे में हम बात करें तो अरहर की फसल में काफी मोटे डंठल होते हैं, इसलिए अगर उसे सामान्य थ्रेसर से निकालने हम जाते हैं तो इसके मोटे डंठल के कारण थ्रेसर को नुकसान होगा और हमें ओसाई मड़ाई के बाद अरहर प्राप्त नहीं होगी। तो खास तौर से अरहर की मड़ाई और ओसाई के लिए एक यंत्र काम में आता है जिसे कहा जाता है पुलमैन थ्रेसर। उसी प्रकार से मक्का के भुट्टों से दाना निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेश सेलर का। तो ये हमने क्रियाएं और यंत्र देखे जो भूपरिष्करण के नहीं है, लेकिन कृषि इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि फसल काटने के बाद हमें दाना और भूसा अलग करके प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि कार्य करने के लिए हम जो ऊर्जा लगाते हैं वो ऊर्जा हमें 5 स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पशुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा, डीजल द्वारा, विद्युत द्वारा, ट्रैक्टर और यंत्रों के द्वारा। अगर इनकी योगदान देखा जाए तो 5% ऊर्जा पशुओं से, 5% ऊर्जा मनुष्यों से प्राप्त होती है, वहीं डीजल से 16%, बिजली से 27%, और सबसे ज्यादा कृषि में जो ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है वो ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हमने देखे जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, जैसे सबसे पहले शब्द आता है न्यूनतम भू परिष्करण, मिनिमम टिलेज हम इसे कहते हैं। मिनिमम टिलेज या न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब होता है कि जब मृदा के अंदर बहुत कम कृषि क्रियाएं करते हुए हम फसल उत्पादन लेते हैं तो इसे न्यूनतम भू परिष्करण कहा जाता है, और जब हम मृदा में कोई कृषि क्रिया ना करें, हम एक फसल की कटाई के बाद बिना कृषि क्रिया करे, बिना खेत की जुताई किए, बिना खेत की तैयारी किए, उसके अवशेषों के बीच में ही दूसरी फसल बो देते हैं, तब यह कहलाता है शून्य भू परिष्करण या जीरो टिलेज। इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम ऐसे समझ सकते हैं अधिक कृषि क्रियाएं करने से लाभ की बजाय हानि होने लगती है। जैसे सबसे पहली चीज तो कि जब हम बार बार मृदा में कृषि क्रियाएं करते हैं तो समय लगता है, समय के साथ ऊर्जा लगेगी, धन लगेगा, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज्यादा भू परिष्करण क्रियाएं करने से मृदा कटाव को बढ़ावा मिलता है, मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विच्छेदन तेजी से होने के कारण मृदा की उर्वरता में भी गिरावट आती है। इसलिए कम से कम कृषि क्रियाएं करते हुए हमारे को फसल उत्पादन करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक भू परिष्करण लाभदायक होने की बजाय हानिकारक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं खिंचाव, ड्राफ्ट। खिंचाव का मतलब होता है कि कोई भी कृषि यंत्र है जब हम उसे मृदा में लगाकर खींचते हैं तो जो बल हमें लगता है, पशु को जो बल लगता है या ट्रैक्टर को जो कुल बल लगता है उसी को कहा जाता है खिंचाव, जिसे हम ज्ञात करते हैं किलोग्राम में, और इसको ज्ञात करने के यंत्र का नाम है डायनेमोमीटर। और खिंचाव ज्ञात कैसे करेंगे, तो खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, खिंचाव बराबर होता है कुल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना मृदा का प्रतिरोध।
कुल की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है कुल की चौड़ाई बटे कुल की गहराई। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कुल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसमें हम गुना करेंगे मृदा के प्रतिरोध बल का, मतलब मृदा उसे वापस धकाने में जो बल लगा रही है उसे कहा जाएगा प्रतिरोध बल। दोनों का गुना कर देंगे तो आ जाएगा खिंचाव। अब यहां हमें एक बात ध्यान रखना है कि खिंचाव कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कुल की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी खिंचाव उतना ज्यादा होगा, कुल की गहराई जितनी ज्यादा होगी खिंचाव उतना ज्यादा होगा। फिर हम कहते हैं कि मृदा में प्रतिरोध बल जितना ज्यादा होगा खिंचाव उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर मृदा चिकनी है तो वहां प्रतिरोध बल ज्यादा होता है इसलिए खिंचाव ज्यादा लगेगा, जबकि रेतीली मृदाओं में प्रतिरोध बल कम होता है इसलिए उनका खिंचाव कम होता है। ऐसे ही नमी की हम बात करें तो मृदा में जब नमी बहुत कम होगी, एकदम सूखी मृदा है, तो वहां पर प्रतिरोध बल बढ़ जाता है इसलिए खिंचाव भी बढ़ेगा। जबकि 25 से 50 प्रतिशत नमी के बीच हम अगर जुताई आदि कार्य करते हैं तो आप देखेंगे खिंचाव कम लगेगा। तो इस प्रकार से खिंचाव को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला आता है शक्ति। शक्ति को हम ज्ञात करते हैं हार्स पावर में। जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की शक्ति को भी हार्स पावर में देखा जाता है। इसे ज्ञात कैसे करेंगे तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है, यंत्र का खिंचाव गुना यंत्र की चाल बटे 4500। यंत्र का खिंचाव गुना यंत्र की चाल, चाल यहां पर हम देखते हैं मीटर प्रति मिनट में, दोनों का गुना करके 4500 से भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगी उस यंत्र की शक्ति, मतलब कितने हार्स पावर का यंत्र है। आखिरी में हम यहां देखने वाले हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को निकाला जाता है हेक्टेयर प्रतिदिन में, मतलब कोई यंत्र अगर दिन भर कार्य करेगा तो जितने हेक्टेयर की जुताई होगी वो कहलाएगी कार्य क्षमता। यहां पर एक दिन को हम 8 घंटे से मानते हैं। इसे ज्ञात कैसे करेंगे तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है, कार्य क्षमता बराबर W×H×S/1000। ये जो सूत्र है इसमें W का मतलब है विड्थ, विड्थ मतलब कुल की चौड़ाई, H मतलब आवर्स या कार्य के घंटे, S का मतलब है स्पीड, स्पीड मतलब यंत्र की चाल। यहां पर यंत्र की चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब अगर इतना ही सूत्र देखा जाए तो इससे हमें वास्तविक कार्य क्षमता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी यंत्र को जब खेत में चलाया जाता है तो मेड़ पर ले जाने के बाद हमें उस यंत्र को उठाना पड़ता है, फिर ट्रैक्टर को घुमाएंगे, साथ में जो ड्राइवर चला रहा है उसके भी कुछ आवश्यक कार्य होते हैं जिनमें कुछ समय बर्बाद होता है, तो उस बर्बाद होने वाले समय को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा तब हमें वास्तविक कार्य क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए हम आगे सूत्र में ऐड करेंगे गुना 100 - LT/100। LT का मतलब है लॉस टाइम, मतलब जब हम उस यंत्र को चला रहे हैं उस समय जो समय बर्बाद हो रहा है उसको इसमें से घटाते हैं। आप परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आते हैं और कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमें इन दोनों सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन दोनों सूत्रों में आप देखेंगे कि स्पीड या चाल जो है ये दोनों में बताई गई है, लेकिन दोनों में इकाई अलग अलग है। यहाँ मीटर प्रति मिनट में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो कभी हमें मीटर प्रति मिनट में चाल दी होगी और हमें उसे अगर यहाँ रखना होगा तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मीटर प्रति मिनट में यदि 60/1000 का हम गुना कर देंगे तो वो बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, और इस प्रकार हम उस चाल को यहां रखकर सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ कृषि यंत्र, कृषि क्रियाएं और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हमने बात की। ये आपको भू परिष्करण और उससे संबंधित चैप्टर में जरूर काम आएगी। इसके बाद अगली जानकारी हम हमारे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।